जिस तरीके से जिले भर में अभी नरवा गरवा का जो गौठान निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं बता दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व डबरी निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत बैकुंठपुर में नाबालिग बच्चों के द्वारा काम करवाया जा रहा था, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन अभी इस वक्त मैं ग्राम पंचायत गोंदला में हूँ और गोंदला का यह गौठान निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं बता दूं कि इस वक्त मेरे सामने देख रहे होंगे कि 3-4 लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, और ये किनके द्वारा कराया जा रहा है और क्यों इन जनप्रतिनिधि या फिर यहाँ के कर्मचारियों को इस ओर ध्यान नहीं आती है या फिर इनकी नज़र ही नहीं पड़ती है, मैं सीधे तौर पर उनसे जुड़ूंगा और बात करूँगा कि आखिर किनके माध्यम से ये काम हो रहा है और कौन इनको काम करने के लिए बोले हैं। भाई थोड़ा खड़ा हो जाना। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या नाम, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गोंदला से। गोंदला से कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? कुछ ही दिनों से। मतलब कई दिन? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? 3 दिन से। अच्छा, किसके द्वारा कराया जा रहा है? सरपंच के द्वारा। क्या नाम है सरपंच का? विकास। नहीं नहीं, सरपंच तो लेडीज है ना, वो मतलब विकास करवा रहे हैं काम। तो क्या बोल के आपको यहाँ भेजे हैं? बोले थे कि गड्ढा खोदना है। क्या गड्ढा खोद रहे हैं? पानी सोखता। पानी सोखता। तो अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? 14 वर्ष। 14 वर्ष। कौन से कक्षा पढ़ते हैं? 8वीं। 8वीं। कौन से स्कूल में? एकलव्य में। एकलव्य में जी। तो अभी स्कूल अभी नहीं खुला है, तो अभी आप लोग काम करने आए हैं, है ना जी? स्कूल लेकिन अभी तो चालू हो गया है जी। जाना चाहिए आप लोगों को स्कूल। हम लोग का अभी नहीं खुला है। नहीं खुला है जी। तो सरपंच आपको मना नहीं करते हैं कि यार अभी उम्र कम है, काम करने मत जाओ इस तरीके से? सरपंच खुद भेजे हैं तो क्या मना करेंगे, है ना जी। तो ये थे मनोज कुमार, जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि सरपंच, लेकिन मेरे साथ और भी एक इनके साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। इधर देखना कैमरे की तरफ। कमलेश कुमार कौन से गांव के रहने वाले हैं? गोंदला। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 9वीं। 9वीं। कहाँ? बसंतपुर। बसंतपुर। आपकी उम्र क्या हो रही है? 15 वर्ष। तो अभी आप काम करने आए हैं कि कौन आपको काम करने भेजा है? सरपंच। क्या बोले हैं? बोले हैं जाओ बैठा। तो सरपंच तो महिला है ना, विकास थोड़ी, विकास तो काम करवाते होंगे ना। तो आपको मतलब विकास के द्वारा यहाँ भेजा गया है जी। क्या बोल के भेजे हैं? कि जाओ गड्ढा खनना। गड्ढा। तो अभी आप लोग गड्ढा खोदने आए हैं जी? कई दिन काम करते हो गया यहाँ? मेरा कल एक टाइम अब अभी। अच्छा, तो आपको मजदूरी वगैरह भुगतान कैसे होगा? हाँ, परमेंट हाथ में दिया जाएगा। हाथ में देने बोले हैं? कितना एक दिन का मजदूरी मिलता है? 190। 190 रुपये? मतलब 190 रुपये देने की बात कहा है उन्होंने ना? हाँ। कौन बोला है? विकास जी। क्या बोला है कि 190 रुपये पेमेंट होगा जी? तो ये थे यहाँ जो काम करने वाले बच्चे, और यहाँ पे जाहिर सी बात यह होती है कि क्या अधिकारी या फिर यहाँ के कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की इस तरीके से मनमानी कब तक चलती रहेगी? आखिर इसको रोकथाम करने के लिए यहाँ के कर्मचारी या फिर शासन प्रशासन इस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं देती हो है? आखिर जाहिर सी बात है कि यहाँ के अधिकारी या फिर कर्मचारियों की ये साठगांठ है मिली भगत कब तक चलती रहेगी? जिस तरीके से ग्राम पंचायत बैकुंठपुर में मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन अभी यह मामला ग्राम पंचायत गोंदला में फिर देखने को मिली, लेकिन अब देखना आलम यह होगा कि अधिकारी क्या कर रही है, इन पे कार्यवाही किस तरीके से होती है या फिर ऐसे ही लीपापोती की जाती रहेगी? वहीं बता दूं कि यह मामला मैंने अभी कुछ दिन पहले खबर चलाया था ग्राम पंचायत बैकुंठपुर में कि नाबालिग बच्चे डबरीकरण में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर जनपद सीओ वेद प्रकाश पांडे ने गलत साबित करके एक दस्तावेज तैयार करके जिला सीओ को आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन यह जांच प्रक्रिया जारी है। कब तक होती है वो तो मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाया ना, लेकिन अभी वो मामला थोड़ा सा भी ठंडा नहीं हुआ है कि अभी यह मामला फिर अभी ग्राम पंचायत गोंदला में देखने को मिल रहा है, और यह मामला अभी गौठान का कार्य चल रहा है, लेकिन देखना जाहिर सी बात यह होगी कि अधिकारी कब तक संज्ञान लेती है और इन जनप्रतिनिधियों पर कब तक नकेल कसती है। टीपी न्यूज के लिए विजय लाल मरकाम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।